हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डेली पॉइंटर्स इन विच वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे इन ब्रीफ फॉर ऑफ़ जून फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप्स ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर टू इंटरनेशनल के लिए रेलिवेंट है ये टॉपिक इसलिए न्यूज में क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ गबोन्स फर्स्ट एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली गबोन है क्या ये एक अफ्रीकन कंट्री है इसके बारे में ब्रीफली हम अभी डिस्कस करेंगे सो इन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोग्राम थर्टी फार्मर्स एंड ट्वेंटी बी एस सी एम एस सी एग्रीकल्चर एंड बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम गजपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा विल ट्रेवल एज कंसल्टेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर इन गबोन, गजपति डिस्ट्रिक्ट आपकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ऑफ ओडिशा अगर हम इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो काफी सारी डायमेंशन है जैसे क्लाइमेट चेंज एंड रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट साथ ही में इन द पास्ट नाइन ईयर्स जब से इंडिया गवर्नमेंट पावर में आई है 2014 में तो डिप्लोमेटिक विजिट्स काफी बढ़ गई हैं दोनों साइड्स की तरफ से साथ में देर इज एंटी कॉलोनियल सोलिडारिटी डायस्पोरिक गुडविल इंडियन डायस्पोरा की अफ्रीका में काफी अच्छी रेप्य है इकोनॉमिक हेल्प एफ्रीका को काफी प्रोवाइड करती है इसी के साथ गबोर्न कंट्री के बारे में पढ़ लेते हैं इसकी कैपिटल है लिबरविलेज एंड ये लोकेटेडेड है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका ये इक्वेटर पे लोकेटेडेड है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना साथ में जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है आपकी इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून एंड कॉन्गो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन वाया मोबाइल टावर्स ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था इन जनरल स्टडीज पेपर थ्री साइंस एंड टेक के लिए रेलिवेंट है नाउ रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दैट द इलेक्ट्रो फील्ड रेडिएशन फ्रॉम अ मोबाइल टावर आर बिलो द सेफ लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन यानी कि जो ये रेडिएशन मोबाइल टावर से एमिट होती है ये सेफ है एंड दीज आर बिलो द सेफ लिमिट प्रस्क्राइब बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन नाउ आई सी

साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह भी बताया कि डब्ल्यू को भी आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला इनकी हार्मफुल इम्पैक्ट का इनफैक्ट डब्ल्यू एच ओ स्टैब्लिश द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट इन नाइनटीन टू असिस्ट द साइंटिफिक एविडेंस ऑफ पॉसिबल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ ई एम एफ इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम जीरो टू थ्री हंड्रेड गीगा हर्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव ये टॉपिक भी आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर टू ट्राइबल्स के कंटेक्ट में एंड स्पोर्ट्स के लिए रेलिवेंट है ना तो फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन भुवनेश्वर इन द कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ दलिंगाइंस इन उड़ीसा इस कॉम्पिटेशन में ओवरऑल उड़ीसा इमर्ज चैंपियन एंड दिस कॉम्पिटिशन वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड उड़ीसा गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस खेल महोत्सव को प्रेस करा था फ्रेंड साथ में मैं ये भी कहूंगा की ट्राइबल स्पोर्ट्स जो है उसके बारे में आप पढ़ लें उसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रनस द सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द नेम ऑफ खेलो इंडिया स्कीम एंड इस खेलो इंडिया स्कीम का एक कंपोनेंट है प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनस ट्राइबल गेम्स एंड द इंडिजीनस गेम्स ऑफ मलखंब कलरीपयट्टु गतका थंगला योगसना सिलंबम हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर प्रोमोशन अंडर दिस कंपोनेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज के कंटेक्ट में एंड ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है जनरल स्टडीज पेपर टू सोशल जस्टिस के लिए रेलिवेंट है की हार्मोनाइज गाइडलाइंस एंड स्पेस स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एसेबिलिटी इन इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया दीज गाइडलाइन है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन तो अगर प्रेलिम्स में क्वेश्चन है की ये जो गाइडलाइन है किस प्रेयर करिए सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने हाउसिंग मिनिस्ट्री ने तो करेक्ट आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेर्स दीज गाइडलाइंस एज आई मैं आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया आया द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसमेंडमेंट रूल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इनफेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन फोर्टी ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डेबिलिटीज एक्ट ऑफ टू थाउजेंड सिक्स द सेंट्रल गीफ कमिश्नर इज मैंडेटेड टू फॉर्मुलेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एसेबिलिटी फॉर द फिजिकल एनवायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो पे था जनरल स्टडीज पेपर थ्री साइंस एंड जनरल स्टडीज पेपर टू हेल्थ के लिए रेलिवेंट है यह जो डे है

जो एक प्रोटीन है उसके कॉम्बिनेशन से एट मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप्स आपके बनते हैं ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ओ ओ प्लस ए बी प्लस ए बी माइनस द यूनिवर्सल रेड सेल डोनर हैज टाइप ओ नेगेटिव ब्लड तो ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल रेड सेल डोनर में फाउंड करा जाता है एंड यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर है दैट हैज टाइप ए बी ब्लड चाहे वो ए बी प्लस हो या फिर ए बी माइनस हो फ्रेंड्स so ये आपका चार्ट है जिसमें आपके मेजर एट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आपके हैं आप इसमें से देख सकते हैं कि ये जो मेजर ब्लड ग्रुप डोनर्स हैं ये किसको रेड सेल्स दे सकते हैं किसको प्लेटलेट्स दे सकते हैं किसको प्लाज्मा दे सकते हैं तो ये आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट्स ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था जनरल स्टडीज पेपर थ्री इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस दैट इंडिया हैज अचीव्ड एन ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू बाय शिपिंग सेवनटीन लैक्स मिलियन टन ऑफ सी फूड वर्थ एट बिलियन डॉलर ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल सी फूड आइटम एंड अगर कंट्रीज में देखें सो यूएसए इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडियन सी फूड फॉलोड बाई चाइना एंड देन यूरोपियन यूनियन साउथ ईस्ट एशिया जापान एंड मिडल ईस्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल कंसेंट ग्रांटेड टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज पेपर के पेज सिक्स पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर थ्री सिक्योरिटी के लिए रेलवेंट है नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज द जनरल गिवन टू द द द अंडर सेक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अलाउज एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट इट्स परमिशन इन द स्टेट बट अब जब इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद सीबीआई को प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर अंडरटेकिंग द इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया आपको अंडर सेक्शन सिक्स ऑफ द डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ

सो so, आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेट्स ने जनरल कंसेंट टू सीबीआई रिसेंटली आपका विड्रॉ करा है तो तमिलनाडु ने तो करा ही है साथ में छत्तीसगढ़ झारखंड केरला मेघालय मिजोरम पंजाब राजस्थान तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल आप इसको रीजन वाइज भी याद कर सकते हैं कि तेलंगाना हो गया केरला हो गया तमिलनाडु हो गया साउथ में ये हो गई आपके फिर आपके अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो आपका हो गया छत्तीसगढ़ हो गया झारखंड हो गया फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपका मेघालय और मिजोरम हो गया एंड बाकी आपका नॉर्थ में देखें आपका

से रिलेटेड से रिलेटेड है so, तो पिंक बॉलवॉर्म से आपको द कॉटन सीड हैदराबाद बेस्ड बायोसीड रिसर्च ऑफ इंडिया तो इन्होंने अप्रूवल तो काफी मांगा था काफी स्टेट से गुजरात तेलंगाना और महाराष्ट्र ने ट्रायल के लिए मना कर दिया बट हरियाणा ने परमिशन दे दी आपकी तो इस आर्टिकल में जो डायमेंशन हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि वॉट आर द डिफरेंट प्रोसेस टू रेगुलेट ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक्रॉप्स इन इंडिया वाई स्टेट्स ऑफ गुजरात महाराष्ट्र एंड तेलंगाना डेफ द प्रोपोजल टू टेस्ट क्राइ टू कॉटन वट इज द नेक्स्ट मूव ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एंड हाउ लॉन्ग बिफोर देर इज जनरल एक्सेप्टेंस फॉर टेस्टिंग जीएम क्रॉप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोजिंग ऑफ सीलिंग ऑन वीट स्टॉक्स ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज पेपर के पेज टेन पे था इन जनरल स्टडीज पेपर थ्री इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इम्पोस्ट लिमिट्स ऑन स्टॉक्स ऑफ वीट दैट कैन बी हेल्ड बैट ट्रेडर्स होलसेलर्स रिटेलर्स बिग चेन रिटेलर्स एंड प्रोसेसर्स Objective is ka hai to stabilize the price of the essential commodity by steadying the supply of wheat. Traders and wholesalers can hold 3000 metric tons. Retailers and big chain retailers can hold up to 10 metric tons at each of their outlets and the latter can also hold up to 3000 metric tons at all their depots combined. साथ ही में गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू ऑफलोड 15 लाख टन ऑफ वीट फ्रॉम द सेंट्रल पूल वाया द ओपन मार्केट सेल स्कीम टू फ्लोर मिल्स प्राइवेट ट्रेडर्स बल्क बायर्स ऑफ मैनुफेक्चर थ्रू ई ऑप्शन नाउ इस आर्टिकल में ये भी बताया कि कंसर्न क्यों है इसको लेके एंड साथ ही में प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स भी बताया सो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री एस्टिमेट्स द प्रोडक्शन ऑफ वीट एट अ रिकॉर्ड 1127 लाख एग्रीकल्चरल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज पेपर के पेज चल पे था जनल स्टडीज पेपर टू पॉलिटिकल रिलेवेंट है नाउ द ट्वेंटी सेकंड लॉ कमिशन ऑफ इंडिया हैज सॉट फ्रेश सजेशन फ्रॉम वेरियस टेक होल्डर्स ऑन द इश्यू ऑफ

मैरिज डायवोर्स मेंटेनेंस, अडोप्शन एंड इनहेरिटेंस आपका तो इंडिया में प्रेजेंटली क्रिमिनल लॉ तो यूनिफाइड है इन द फॉर्म ऑफ आईपीसी पी एंड सीआरपीसी बट सिविल लॉस अभी यूनिफॉर्म नहीं है आपके आर्टिकल फोर्टी फोर इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट्स दैट

ये जो मिशन है आपका ये इस साल के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा था एंड इसको फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ आपका एलोकेट करा है विच विल बी स्पेंट ओवर द नेक्स्ट थ्री इन द प्रोग्राम एम्स टू कनेक्ट ऑल द पीवीटीजी विलेजेस टू बेसिक गवर्नमेंट लाइक कम्युनिकेशन पब्लिक एजुकेशन आपका बेसिक फिजिकल एंड आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप पीवीटी जी इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं सो देर आर सेवेंटी फाइव ट्राइबल ग्रुप्स इन एटीन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आईलैंड एंड दीज ट्राइबल ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप द क्राइटेरिया फॉलोड फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेगनेट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन लो लिटरेसीडसिस्टेंस इकोनॉमी कौन सा पेयर आपका है तो चारों पेयर आपके क्राइटेरिया में आते हैं द पॉपुलेशन इन पीवीटीजी अकॉर्डिंग टू द टू थाउजेंड इलेवन सेंसिसन पॉइंट सेवन करोड़ एंड उड़ीसा इज होम टू दाइएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी कम्युनिटीज इन द कंट्री विच इज थर्टीन तो सेवेंटी फाइव में से थर्टीन कम्युनिटीज आपकी उड़ीसा में है। इसका जो कंसे ओरिजिन हुआ था पीवीटी का दैट ऑरिजिनेटेड फ्रॉमेंडेशन ऑफ दिन की वजह सेटेगरी बाय द नेमेटिव ट्राइबल ग्रप वॉज क्रिएटेड विद इन द ग्रुपिंग ऑफ शेड्यूल ट्राइबिक्वेंटली और भी कम्युनिटी आपकी एड करी थी एंड नाइनटीन नाइनटी थ्री नाइन में सेवेंटी ग्रुप आपका इसमें एड करा गया था विच वॉज मरम नागा इन मनीपुर एंड 2006 में प्रेमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम चेंज कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रियूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था इस रिपोर्ट का ट्वेल्थ एडिशन रिलीज करा गया था इन कोलैबोरेशन विद द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिनलैंड जो एक यूरोपियन कंट्री है दैट हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओवरऑल ट्रस्ट इन न्यूज एंड ग्रीस वो भी एक यूरोपियन कंट्री है दैट हैज द लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट इन द न्यूज इंडिया बीच में आता है सो इंडिया रजिस्टर्ड अ डिक्रीज ऑफ थ्री परसेंट पॉइंट इन द ओवरऑल ट्रस्ट इन न्यूज टू थर्टी एट परसेंट फ्रॉम द लास्ट इज रैंकिंग एंड इज रैक्ट ट्वेंटी फोर्थ अमंगी सिक्स कंट्रीज तो इंडिया यानी कि बीच में आता है अगर इंडिया फाइंडिंग्स की बात करें सो देर इज डिक्रीज इन एक्सेस टू ऑनलाइन न्यूज बाय परसेंट पॉइंट एंड इन फैक्ट न्यूज कंजम्पन बाय टेलीविजन ऑल्सो डिक्लाइन टेन परसेंट पॉइंट अगर ट्रस्ट की बात करें सो इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स लाइक डीडी इंडिया ऑल इंडिया रेडियो एंड बीबीसी न्यूज इसी वजह से हम डीडी इंडिया ऑल इंडिया रेडियो एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज भी इसमें कवर करते हैं अपनी हेडलाइंस ऑफ द द डे सेक्शन में इज इन फैक्ट मोस्ट प्रेफर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर न्यूज